दोस्तों स्पीकर को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये मल्टीमीटर ऐसी एक लेनी पड़ेगी और मल्टीमीटर को आपको इस बजर रेंज पे रखना पड़ेगा, ये वाले जो देख सकते हैं आप, ये वाले, और ये बीप मारेगा इस तरह से। ये देखो बीप मार रहा है, बीप सुनाई दे रहा है, ये देखो। हाँ, अब इसके दोनों केबल पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे बीप करता है, बीप का साउंड आता है तो आपका बॉक्स चालू है, अगर बीप का साउंड नहीं आता है तो आपका बॉक्स बंद है। तो अभी बीप का साउंड नहीं आ रहा है इसलिए आपका बॉक्स बंद है, तो पहले बाहर से चेक करें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसके बाद खोलें। तो अभी दोस्तों ये बंद है तो अभी इसे खोलेंगे अपन। इस तरह से खोले आप सभी नट को, मैं तीन खोल चुका हूँ, ऐसा खोले, और इसके भी इस तरह से आप चार ही नट संभाल के खोलिए, और दोस्तों इसको संभाल के निकालिए। और अब यहाँ पे भी मीटर को उस तरीके से चेक करेंगे जैसे पहले चेक किया था। हाँ, पहले जैसे चेक किया था, देखो इस तरीके से, देखो बीप आ रही है क्या, इस तरह से बीप आनी चाहिए, जैसे बीप का आवाज आ रहा है, देखो जीरो जीरो हो रहा है, तो वैसा बजना चाहिए तो ही आपका बॉक्स ठीक है। ये देखो दोस्तों ये पूरी तरह से चेक कर चुका हूँ मैं, ये पूरा शॉर्ट हो चुका है, बंद हो चुका है, ये बिल्कुल खराब हो चुका है, तो अब इसे भरना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं, केबल में कोई फॉल्ट नहीं है, केबल ओके है दोस्तों, ये देखो कुछ फॉल्ट नहीं है केबल में, तो ये ओके है केबल, तो ये खराब हो चुका है, ये इसको नया भरना पड़ेगा। तो इसके नीचे मैं आपको लिंक दूंगा इस वीडियो के नीचे, जो कैसे भरते हैं स्पीकर को, उसके बारे में भी आपको लिंक दूंगा, वो वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से भरा जाता है स्पीकर। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।